हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक्सेल के अंदर वी लुकअप के साथ कॉलम का हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा। ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब भी हम वी लुकअप यूज़ करते हैं तो हम सिर्फ वी लुकअप के साथ अगर हमें दूसरा भी डेटा उठाना हो तो हमें एरर आ जाती है। क्योंकि अगर हम वन एक एक के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ टेबल में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी प्राइस। अगर हमको ये एक ही बार जब हम वी लुकअप का हम यूज़ कर रहे हैं और वन टाइम में हमें सारा एक बार में आ जाए, बार बार हमें वी लुकअप का यूज़ ना करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको कॉलम का एक बेस्ट यूज़ बताऊंगा कि इस आप कॉलम वी लुकअप के साथ कॉलम का जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ आप वन टाइम में जितना भी आपका डेटा है, आपको जितनी भी आप देख रहे हैं हेडर में जितनी भी चीज़ें आपको नीड है वो वन टाइम में आप लेके आ सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा आप वीडियो को जरूर लाइक किए करा करें, क्योंकि वीडियो लाइक करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, और आपका एक जो लाइक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और साथ में इस वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में। दूसरा, अगर आपको कोई और अदर वीडियो आपको नीड है तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बेटर से बेटर सोल्यूशन दूंगा। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख रहे हो दोस्तों हमारे पास टेबल ए है और टेबल बी है। हमें टेबल ए में कुछ डेटा हमें नीड है जो हमें टेबल बी से लेके आना है। तो अभी आप देख रहे होंगे जो टेबल ए है उसमें हमें प्रोडक्ट की आईडी दे रखी है, और आगे की जो हमारे हेडर हैं वो हमारे क्वांटिटी प्राइस और टोटल। और टेबल बी में आप देखेंगे हमारे प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, और यहाँ पर हमारे क्वांटिटी प्राइस टोटल कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे ये दे रखे हैं। ये जो तीन जो हमारे हेडर जो डेटा है वो हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन को लेके आनी है। तो हम कैसे लेके आएंगे, ठीक है, तो मैं आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप इसको पूरा वीडियो देखें तभी अच्छे समझ में आएगा। अगर आप स्किप कर देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप छोड़ देते हैं जिसकी वजह से आपको अच्छे समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इजिकल टू वी लुकअप, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मेरे को मांग रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मैंने ये सेलेक्ट कर ली क्योंकि मेरे पास लुकअप वैल्यू यही है जो मैं इस टेबल से मैच आउट करा सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं आप कोमा करूँगा, कोमा जैसे मैंने कि यहाँ पे बोला टेबल एरे, तो हमारा टेबल कौन सी है, हमारे इस टेबल का हमें हम पूरा टेबल एरे हम पूरा ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पूरी मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर ली। फिर कोमा, अब कोमा के बाद बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जब आपने देखा होगा जब भी आप वी लुकअप यूज़ करते हैं तो कॉलम इंडेक्स मतलब जो भी आपको एक कॉलम का डेटा चाहिए होता है वो आप कॉलम नंबर यहाँ डालते हैं, उसके बाद वो डेटा आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए तीनों वन टाइम में चाहिए कि हमें बार बार हमें कॉलम इंडेक्स नंबर ना डालना पड़े, और वन टाइम में वी लुकअप का यूज़ करके हमें जो हमारे डेटा की नीड है, जो हमारे हेडर की नीड है, वो हम वन टाइम में आ जाए। हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉलम, और हम नीचे वाला सेलेक्ट कर लेंगे कॉलम्स। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट किया। अब यहाँ बोल रहा है एरे, तो एरे यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारी प्रोडक्ट आई डी यहाँ पर हमारे कहाँ पर है ये वाली। तो अब यहाँ से हम ये एरे सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हो हमारी है क्वान्टिटी, तो हमें यहाँ क्वांटिटी तक लेके जाना है। हमारी कहाँ क्वांटिटी, थर्ड कॉलम में हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। उसके बाद हमें करेक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे हम जीरो हम डाल करते हैं। ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अभी आपको एंटर नहीं करना, अभी आपको यहाँ कुछ चेंजेस करने ताकि आपको वन टाइम में आपको मतलब रिजल्ट मिल जाए, आपको कोई भी एरर का फेसिंग ना करना पड़े। तो आपको क्या करना है, बी को आपको फ्रीज करना होगा, बी के बाद आपको यहाँ पर ये दोनों में फ्रीज करने होंगे ताकि जब भी आप करें तो इसकी जो रेंज है वो चेंज ना हो। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कॉलम्स में आपको सिर्फ H को आपको फ्रीज करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको J को फ्रीज नहीं करना है। क्यों नहीं करना, मैं आपको अभी मैं इसको पूरा करने के बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं इसको हम फ्रीज करेंगे, क्योंकि हमको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि हम जब भी हम डॉलर लगा रहे तो किसकी वजह से कहाँ क्या रेंज चेंज हो रही, कहाँ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया। तो अभी आप देख रहे होंगे 101 की जो क्वांटिटी है वो 5 है, जो हमारी करेक्ट आ चुकी है। अब प्राइस और टोटल हमें वन टाइम में चाहिए, तो हम इसको करेंगे कॉपी और आगे तक हम ड्रैग कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रैग किया आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा आगे का डेटा है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब इसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे तक ड्रैग करूँगा। तो अब जैसे मैंने नीचे ड्रैग किया आप यहाँ मैच करके देख सकते हैं कि जो भी हमें नीड थी, जो भी इन प्रोडक्ट की आईडी है, जो भी इनकी क्वांटिटी प्राइस टोटल है, वो ऑटोमेटिक वही सेम टू सेम आ गई है। आप यहाँ देख रहे हैं 120 का यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, एन ए आया, क्यों आया, आप देख रहे हैं यहाँ पर 108 के बाद 120 नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप यहाँ पर डेटा लेके आ रहे हैं वो पूरा इक्वल
उस वाले टेबल में हो, अगर नहीं है तो वहां पर वो एन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वहां पर कॉलम्स में हमने एच को फ्रीज किया लेकिन जे को फ्रीज नहीं किया। अभी आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर किया, आप जब फॉर्मूला मैंने ओपन किया, आप यहाँ देखेंगे इसकी रेंज मैंने कहाँ तक ले रखी है, क्वांटिटी तक। अब मैं चलता हूँ डी कॉलम में जहाँ पर 360 इसका प्राइस आ रहा है। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ प्राइस का चेंज हो गया, मतलब एच कॉलम आपका अगर फ्रीज नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे आई पे आ जाएगा, मतलब इसकी रेंज चेंज हो जाएगी, तो इसके वजह से यहाँ पे एरर आ जाएगी। और आप देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे सेकंड वाले को मैंने फ्रीज नहीं किया था वो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज नहीं होगा तो अगले स्टेप पे ये नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वो डेटा करेक्ट नहीं आ सकता। तो यही वो कारण था जिसकी वजह से मैंने सेकंड वाले को मैंने चेंज मतलब डॉलर नहीं लगाया, फर्स्ट वाले पर लगाया, क्योंकि जो हमारी प्रोडक्ट आईडी जो हमारा लुकअप वैल्यू अगर हम उसे फ्रीज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक से रेंज चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से हमारी एनए आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और कमेंट बॉक्स करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए वो भी हमें जरूर बताएं, ताकि मैं भी उसके लिए अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपको बेटर से बेटर सोल्यूशन दे सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।